आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शाहजहांपुर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है महापर्व छठ पूजा। महिलाओं ने पूजा पाठ के बाद गाए गीत। देवरिया में नाना पार महोत्सव का आयोजन, भाजपा नेता फीता काटकर किया शुभारंभ। कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में देखा गया तेंदुआ, वन विभाग की कोशिश हुई नाकाम। लखनऊ में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे उपभोक्ता। हरदोई में शिक्षक बना शैतान, शिक्षक ने कक्षा 7 की छात्रा की पिटाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। धूमधाम के साथ छठ पूजा महापर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि महापर्व छठ पूजा नहाए खाए के साथ व्रतियों द्वारा पूजा अर्चना कर छठ पूजा का प्रारंभ हो गया है। सामूहिक रूप से पूर्वांचल महासभा के उपाध्यक्ष के घर में पूजा विधि विधान की गई। इस पूजा में गृहणियों ने पूजा पाठ करने के बाद पारंपरिक गीत गाए। पूजा तो हमारी कल से शुरू हो गई थी छठ की। कल साफ सफाई और जो हम आटे का ठेकुआ अगरौटा का जो प्रसाद बनाते हैं, तो कल से ही हमारी पूजा प्रारंभ हो गई थी। साफ सफाई के बाद आटा बनाना और सब व्यवस्था करना। आज है, कल भी आधे दिन का ही व्रत था हमारा, कल से ही साफ सफाई। और आज जो है खरना है, खरना के दिन होता है। जैसे लौकी चने की दाल अपने अपने रीति रिवाज अपने अपने विधान से सभी लोग बनाते हैं, तो हम लोग लौकी और चने की दाल की सब्जी। लखनऊ में विद्युत ऊर्जा ने विद्युत उपभोक्ताओं को पावर दिया है कि अब वो कोई भी उपभोक्ता धोखाधड़ी का शिकार नहीं होगा। बिजली चेकिंग के नाम पर वसूली के मामले होते थे, वहीं अब चेकिंग कर्मियों को अब पहचान पत्र दिखाना है। बिजली चेकिंग की व्यवस्था पारदर्शक बनाने के लिए शासन आदेश जारी हो गए हैं। बुलंदशहर में मोहल्ला छपेटी में शूदखोर ने परेशान होकर मिठाई व्यापारी ने जहर खा लिया है। आपको बता दें कि व्यापारी को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। व्यापारी की गंभीर हालत को देखते हुए आईसीयू में भर्ती कराया गया। मेरे बेटा जहर खाया कि वो कर्ज लिया था उसका 10-15 लाख रुपये का, वो हमारे माने में पैसे हमने पूरे दे दिए और ब्याज पे ब्याज लगाते रहे हैं। और हमें मारने की भी धमकी दे रहे हैं, फिर हम मार देंगे। मेरे बेटे ने परेशान है, जहर खा लिया। क्या क्या करते हैं आपके बेटे? हलवाई की दुकान है अली। कहाँ का मामला, कौन लोग थे वो? पहासू का हम सब पहासू थे, वो लोग अटेंड ना थे, वो जरपन वो आकाश और हरिओम दिनेश और मुकेश नगला। तो कितने रुपए लिए थे? 10-15 लाख में सबके। तो क्या परसेंट की ब्याज लेते थे? 10-20% की ब्याज लेते थे मेरे बालक। तो हालत कैसी है आपके बच्चे? सीरियस हालत है मेरे बालक से। आईसीयू में भर्ती है। शिकायत दे दी आपने पुलिस को? अभी फोन किया था, फोन किया था हमने। हरदोई में माघोगंज थाना के सुमेरगंज गांव में शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत का बवाल हो गया है। परिजनों का आरोप कि स्कूल में पिटाई के बाद बीमार पड़ने पर लखनऊ में भर्ती कराया गया। कक्षा 7 का छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि आक्रोशित परिजनों और गांव के लोगों को पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझा कर कार्रवाई का हवाला देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रायबरेली में कोतवाली क्षेत्र के कचहरी रोड पर पावन नमकीन एंड रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर
काबू पाया। वहीं इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हमारे फायर स्टेशन रायबरेली को सूचना 3:38 प्राप्त हुई कि पवन नमकीन इंस्टीट्यूट हाउस में जो है भीषण आग लगी हुई है। सूचना प्राप्त होते ही फायर सर्विस की यूनिट तत्काल घटना से मौके पर आई। विस्का की नजाकत को देखते हुए 3 गाड़ियां तत्काल मौके पर लगाई गई। हम सभी अधिकारीगण हमारे सभी कर्मचारी तत्काल मौके पर आ गए थे। काफ़ी भयावह स्थिति थी। ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तीनों फ्लोर इनकी चपेट में आ गए थे। अंदर जो इनके 4 आदमी भी थे, 3 आदमी निकल के भाग लिए थे, 1 आदमी फंसा हुआ था, उसको भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कहीं कोई जनहानि नहीं हुई है और 3.5-4 घंटा की बड़ी कड़ी मशक्कत के साथ आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है। हमारे जवानों ने, हम लोगों ने बड़ी मेहनत किया है। अगल बगल के जो भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान है सबको सुरक्षित बचा लिया गया है। आज महापर्व छठ का तीसरा दिन है। आज के दिन व्रती ढलते सूरज को नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती हैं। बता दें कि पूजा में व्रती बांस की टोकरी और सूप लेकर अपने उसमें 5 तरीके से फल और पूजा का सारा सामान लेकर जाते हैं। अर्घ देते हुए पूजा करने के बाद सारा सामान लेकर घर आते हैं। पूरी रात जगते हुए छठी माता के गीत गाए जाते हैं। वहीं पर इस पर्व को लेकर पूरे देश में धूम मची हुई है। इस तरह पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ और प्रयागराज में छठ पर्व की धूम मची हुई है। महिलाएं आज सूर्य को अर्घ देने की तैयारियां कर रही हैं और ढलते सूरज को अर्घ देके माता के पूजा भी करेंगी। दूध और जल से दिया जाता है ये अर्घ। मैनपुरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने जनपद के 13 थानों के क्षेत्रों में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चला रखा है। इस अभियान में पुलिस ने कई टीमें के साथ मिलकर अपराधियों को पकड़ा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 107 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज रात्रि में एक अभियान यहाँ पे चला गया पूरे जनपद के सभी 13 थानों में। उसमें ये अभियान NBW के अरेस्ट के लिए था और भी जितने वांछित हों, जिलाबदर हों, इनामी हों, सबके लिए अभियान चलाया गया। और इस अभियान में एक बड़ी कामयाबी मैनपुरी पुलिस को मिली है। कुल 107 इस तरह के अपराधी रात में गिरफ्तार हुए। इस प्रकार आप देखेंगे कि मात्र 12 घंटे में 107 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। और इस प्रकार का अभियान हम समय समय पर चलाते रहते हैं, तो ये बड़ी कार्रवाई मैनपुरी पुलिस द्वारा की गई। खबर फरुखाबाद से, जहां तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी है। सभी घायलों को राहगीरों की मदद से पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। वहीं कार चालक को डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस के पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए डंपर चालक की गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए हैं। अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 5 घायल आए थे, उनकी क्या स्थिति है डॉक्टर साहब? सगौ गौशाला के पास से एक एक्सीडेंट में 5 लोग लाए गए थे, जिसमें से जो प्रशांत मिश्रा हैं वो मृत अवस्था में लाए गए थे और जो तुलसी राम है वो घायल थे, तो उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बाकी के बच्चे जो हैं अरुण, रुद्र, लक्ष्य, शिवानी, इनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इनकी स्थिति कैसी है अभी? इनकी स्थिति अभी ऑब्जर्वेशन के अंडर में है, ट्रीटमेंट दे दिया गया है इनको। औरैया में कोतवाली क्षेत्र के तकिया मोहल्ले में अराजक तत्वों ने एक धार्मिक स्थल पर देर रात मूर्ति तोड़ दी है, जिसके बाद हिंदू संगठन ने आक्रोश फैल गया है। बता दें कि मंदिर परिसर के अंदर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त देख भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग मौजूद हो गए और उन्होंने पुलिस के द्वारा पैदल गश्त किए जाने पर भी गंभीर सवाल उठाए। साथ ही कोतवाली पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है। सूचना पाकर पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल करते हुए आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कही है। चाहिए क्योंकि इसमें पहले भी जब अयोध्या का मसला हुआ था, एक बार और खंडित हो चुकी है मूर्ति, अब ये दूसरी घटना है। निश्चित तौर पर प्रशासन को ये नहीं कि यहाँ आए और ये खाना पूर्ति की और काम खत्म। इसमें जो भी दोषी हो उसे पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हमारा मंदिर है, किसी ने रात में इसमें मूर्ति तोड़ फोड़ दी है। रात में किसी ने मंदिर की मूर्ति तोड़ दी। सवेरे जब मेरे भाई आए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे ईंट पड़ी है और हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी गई है। देख के फिर इसको पुलिस को सूचित किया गया है।
रात में आप बता रहे हैं कि 1:30 बजे तक आप यहाँ बैठे रहे, काम कर चल रहा था आपका। रात में 1:30 बजे तक मंदिर के बगल में बैंड की दुकान है, वो बैंड की दुकान खुली थी, कल उनका काम था, इसलिए वो 1:30 बजे तक यहाँ बैठे रहे। जब उनकी पार्टी बज के आई तब वो घर गए। किसी उपद्रवियों द्वारा ईंट द्वारा हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी गई। जब मैं सुबह दुकान पर आया तो मैं दर्शन के लिए देखा का मूर्ति यहाँ पर टूटी पड़ी हुई है और नीचे ईंट भी पड़ी हुई है। इसके बाद मैंने 112 नंबर पर डायल किया और उनको सूचित कर दिया। फिर उस मौके पर आई? हाँ, अभी तो नहीं आई है, लेकिन अभी हाल मेरे सामने आ रही है। कुशराब की तत्वों द्वारा यहाँ के हनुमान जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है, इसमें कार्रवाई की जा रही है। तहरीर दिया गया आपके द्वारा, आपका अशोक कुमार जी द्वारा तहरीर दी गई है, इसकी जाँच होगी और जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, शीघ्र से कभी की कार्रवाई होगी। और मंदिर में नई प्रतिमा के स्थापना के लिए आप मंदिर के व्यवस्थापक हैं। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में राजौरी के खोजीपुरवा गांव में एक महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश में महिला की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजन घर के सामने वालों पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस पर घटना की जानकारी होते हुए भी ADCP उत्तर के उत्तरी व अतिरिक्त इंस्पेक्टर गुडम्बा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू कर दी। इसके साथ ही आरोपी की तलाश कर रही है। बताया जाता है कि शाहिदा बानू जो रजौली गांव की रहने वाली है, इनका मर्डर हो गया है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पता चलता है कि शाहिदा बानू जो रजौली गांव की है और जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, एक व्यक्ति जिसका नाम सलीमुद्दीन सन ऑफ निजामुद्दीन है, इसने इनका मर्डर किया है। कल रात को इन लोगों में कुछ कहा सुनी हुई थी किसी बात को लेकर के, और आवेश में आकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया। 4 दिनों से IIT कानपुर में तेंदुआ खुलेआम घूम रहा था। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर सिर्फ इंतज़ार कर रही है। वहीं तेंदुआ IIT में दिखे जाने के बाद नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में भी देखा गया। इसके बाद यहां भी दहशत का माहौल है। औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र में तकिया मोहल्ले प्रसिद्ध मंदिर में लगी हनुमान जी की मूर्ति को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके बाद से वहां हिंदू संगठनों में आक्रोश दिख रहा है। वहीं इस पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही है। बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि रात्रि गश्त की जाती है, लेकिन इस हादसे के बाद पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुल गई। खबर देवरिया से, जहां नोनापार संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रजनी पांडे ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने ग्रामीणों का खूब मनोरंजन भी करते रहे। ऐसी मान्यता है कि बाबा मणिनाथ ब्रह्म स्थान का दर्शन करने से सभी की मनोकामना भी पूरी हो जाती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।